का कार्यक्रम नहीं है, दर्शन करने आने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी असुविधा की बात, जहाँ मंदिर बनाने की बात करके सत्ता में आते हैं वहाँ हम इंसान को मूलभूत सुविधा वहाँ हमने अवेलेबल करा पा रहे हैं। विषय ये लोहे की उस जलती हुई जाली में जो नंगे पैर चलता है वो भगवान राम के दर्शन के लिए जाता है। वास्तविकता में इस देश में और प्रदेश में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ दल, कुछ नेता, कुछ धर्म के ठेकेदार भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान को हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं और उसका परिणाम हमारे फैजाबाद जनपद के अयोध्या की स्थिति आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जहाँ जेल में प्रकट होना पड़ा था वहीं भगवान राम को जेल में एक तरीके से कर दिया गया है, भक्त और भगवान के बीच में दूरी कर दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम इसमें किसी दखल की बात नहीं करते हैं, लेकिन राम के नाम पर सत्ता में आई योगी मोदी सरकार, परसों जब मैं राम जन्मभूमि का यूं ही दर्शन करने पहुंचा तो वहां पर हमने देखा कि वर्ष 2015 में बदला गया त्रिपाल अव्यवस्थित है, मंदिर के अनुकूल नहीं है, जहां मुख्यमंत्री के तौलिए से लेकर के चद्दर और फर्श को केसरिया किया जा रहा है वहां पर त्रिपाल की यह स्थिति, अधिग्रहित परिसर में गंदगी का अंबार है और आने जाने वाले यात्रियों के लिए ना तो छाया की व्यवस्था है, ना हवा की व्यवस्था है और ना ही उचित जल प्रबंध है। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि दूर दराज से पर्यटक और भक्त रामलला का दर्शन करने आते हैं और जितनी दूरी से भगवान राम का दर्शन उनको कराया जाता है वो समझ ही नहीं पाते कि गर्भगृह में रखी गई मूर्ति उनके रामलला की ही है कि किसी और की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अधिग्रहित परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, भक्तों को CCTV फुटेज से ही सही, यदि गर्भगृह में ले जा करके आप दर्शन नहीं करा सकते तो CCTV फुटेज के ही जरिए गर्भगृह का लाइव प्रसारण कर दर्शकों को उनके रामलला का दर्शन कराया जाए। अधिग्रहित परिसर में कल को मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, क्या बनेगा, कोर्ट जानेगा, वैसे जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता के लिए वहाँ पर पूरे परिसर में तो मंदिर और मस्जिद बनना नहीं, खाली जगह में इनको फूल पत्ती और पौधों को लगा करके उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए जो कि पर्यावरण के भी विकास में काम करेगा, आने वाले दर्शकों को शीतलता भी प्रदान करेगी। कुल मिला के कहना ये चाहेंगे कि ये सरकार किसान और इंसान नहीं भगवान के भी मुद्दे पर शिथिल है और पता नहीं किस आधार पर 2019 में ये सपना देख रहे हैं बैक होने का। यदि यही स्थित रहेगा तो हिंदू जनमानस नहीं, भारत वर्ष की एक एक आबादी जो अपने आप को इंसान मानती है, जिसके अंदर भगवान निवास करते हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि भगवान का मतलब कोई धर्म विषय नहीं है, भगवान का मतलब वो पांचों तत्व, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, उन पांच तत्वों से बने सभी जीव भगवान की संतति हैं और उन्हें बांटने का काम न किया जाए अपितु उन्हें सुविधा देने का काम किया जाए। मैं चंद्रमणि पांडे, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। बस्ती जनपद से सटा आपका जिला है, मैं मूल रूप से बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ और अभी पिछले 23 अगस्त को घाघरा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव जब वहाँ कट रहे थे तो घाघरा की धारा में 23 अगस्त को बैठ करके मैंने गांव को बचाने के लिए धरना दिया था, जब विवश होकर योगी आदित्यनाथ को 24 तारीख को 50 डिग्री कॉलेज में आना पड़ा था। और इतना ही नहीं, अभी बस्ती जिले में टूटे अमहट पुल के लिए मैंने 8 मार्च से 30 मार्च तक लगातार 23 दिन आमरण अनशन करके ये दिखा दिया गया है कि ये चंद्रमणि पांडे केवल सुदामा वेश में घूमता नहीं है, जनता जनार्दन रूपी अपने द्वारकाधीश की सेवा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति लगा देगा, लेकिन जब तक मंदिर की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी मैं गुरुवार से इस विषय को लेकर के धरने पर आऊँगा, मैं हटने वाला नहीं। धरना DM कार्यालय, रिसीवर वही है मंदिर के।